आज की स्टूडियो में बात करेंगे धान के अंदर सबसे खतरनाक रस चूसक कीट के बारे में। इस कीट को हम किस तरीके से जो कंट्रोल है वो कर सकते हैं व इसकी क्या क्या जो पहचान है वो रहती है। मैं बात कर रहा हूँ BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर के बारे में, जिसे आप भूरा तेला या फिर काला तेला भी बोल देते हो। कुछ एक भाषा के अंदर इसे मलंगा भी बोला जाता है। मलंगे का मतलब कि आपके खेत को जब ये नुकसान पहुँचाता है तो ऐसा लगता है कि इस खेत के अंदर आग लग चुकी हो या फिर जो पौधा है वो बर्निंग आ चुकी हो। रस चूसक कीट है, रस चूसेगा प्लांट में से। अगर प्लांट में रस ही नहीं रहेगा तो उस पौधा का जो जान है वो कैसे रहेगी, वो ऑटोमेटिक सूख जाता है। धान के अंदर जितने भी रस चूसक कीटों का हमला होता है, हमें जो स्प्रे करने का जो नियम है वो ETL लेवल को ध्यान में रख के करना चाहिए। ETL का मतलब होगा कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो हमें बताता है कि हमारे खेतों के अंदर कितनी मात्रा में जो कीटों की संख्या है वो हो चुकी है, तब जा करके हमें जो स्प्रे वो करना चाहिए। अगर हम ETL लेवल को ध्यान में ना रख करके स्प्रे करते हैं, तब जा करके हमारे कीटों का जो हमला है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ BPH के बारे में, अगर आपके खेत के अंदर हॉपर का अटैक हो चुका है तो ध्यान रहे कि अगर एक प्लांट के ऊपर आपको 4 से लेकर 5 जो हॉपर वो दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे जो रस चूसक कीट है वो दिखाई दे रहे हैं, तब जा करके आप अपने खेत के अंदर जो स्प्रे है वो कर सकते हो। अगर आपको लगे कि मेरे खेत में हॉपर की जो संख्या है वो 5 से कम है, तब आप कोई जो स्प्रे है वो ना करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे कुछ एक जो नेचुरल एनिमी होते हैं, जैसे कि आप फोटो के अंदर भी देख रहे हो, इस तरह के जो कीड़े हैं, जो हमारे मित्र कीट है, वो उस हॉपर को कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर फार्मर इस हॉपर को कंट्रोल करने के लिए थ्रिन ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेमडा का यूज़ करते हैं, साइपर का यूज़ करते हैं, बाइफेंथ्रिन का यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे फार्मर जो एसीफेट वगैरह भी डालते हैं या फिर नीचे आप DDVP वगैरह भी डालते हो। जितनी भी ये सिंथेटिक दवाइयाँ या थ्रिन ग्रुप जिसके पीछे थ्रिन आता है, लेमडा साइलोथ्रिन लिखा होता है, साइपर मेथ्रिन लिखा होता है, बाइफेंथ्रिन लिखा होता है, ये थ्रिन ग्रुप क्या करते हैं कि इस जीव की जो जन्म देने की जो क्षमता है अंडों की वो सबसे ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि एक तरह से ये जो थ्रिन ग्रुप वाले हैं हॉपर के लिए खुराक का काम करते हैं, तो इसलिए हमें जो थ्रिन ग्रुप है वो अपने खेत के अंदर नहीं यूज करना है। इस कीट की जो पहचान है वो बड़ी आसान रहती है। आप ज़्यादातर छाँव के अंदर इसका जो पहला हमला है वो देखोगे या फिर खेत के अंदर आपको जो हमला वो दिखाई देगा। खेत के अंदर जब भी ये हमला करेगा तो दूर से आपको देखने पे ये लगा कि गोलाकार आकार में आपको जो बर्निंग है, जो पैचेज धब्बे हैं वो आपको दिखाई देंगे। जब भी आपको किसी पौधे के ऊपर ये जो कीट है वो दिखाई दे तो आप अपनी उंगली से टच करना, ये छिपने की कोशिश करेगा, टेढ़ा चलेगा। इसका मतलब कि आपके खेत के अंदर होपर ही है। कुछ एक फार्मर होते हैं कि मकड़ी के जो बच्चे हैं उन्हें देख करके जो स्प्रे वो कर लेते हैं, ये हमारे मित्र कीट है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मादा जब भी अंडे देती है तो अंडे एक लाइन के आकार में देती है, गुच्छों के अंदर देती है, जैसे कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो, हमारे जैसे कि केले का जो गुच्छा नहीं होता उस टाइप से जो अंडे हैं वो देते हैं। हॉपर हमारे खेतों के अंदर तभी अटैक करेगा जब लगे कि बारिश का जो मौसम है वो बना हुआ है, कई दिनों से बारिश हो रही है, या फिर 30 डिग्री से जो हमारा तापमान है वो कम जा रहा है, रात के समय ओस वगैरह जो है वो काफ़ी गिर रही है, इस समय ये अपना जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर लगे कि आपका जो टेम्परेचर है वो 32, 33 या 34 डिग्री के आसपास चला गया, वहाँ पर हॉपर का जो अटैक है वो ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर के अंदर अंडों में से जो बच्चे हैं वो बाहर ही नहीं निकलते। अंडों में से बच्चे बाहर निकलने के लिए जो टेम्परेचर वो 30 डिग्री से नीचे की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ध्यान रहे कि आप टेम्परेचर को देख कर भी अपने खेत के अंदर जो स्प्रे है वो कर सकते हो। अगर इस कीट का जो हमला है वो ETL लेवल से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पर प्लांट जो हॉपर की संख्या है वो 8 से 10 के आसपास चली जाती है, तब हमें जो केमिकल तरीके हैं वो अपनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर सबसे अच्छे जो मॉलिक्यूल है वो मैं ब्रांड नेम आपको बता देता हूँ। आप 65 से लेकर 80 दिन के बीच में उनका जो स्प्रे है वो कर सकते हो, या फिर स्प्रे उनका तब करें जब आपको लगे कि 5 से 6 जो हॉपर है पर प्लांट वो आ चुके हैं। या तो आप यूज़ कर सकते हो पैक्सालोन 94 ml पर एकड़ के हिसाब से। पानी की जो मात्रा है वो आपको 170 से लेके 180 लीटर अनिवार्य रखने के लिए, ताकि अच्छा जो रिजल्ट आपके खेत के अंदर देखने को मिले। या फिर आप नचिनो कंपनी की आती है ऑर्केस्ट्रा, उसका भी 400 ml पर एकड़ के हिसाब से जो इस्तेमाल है वो कर सकते हो। दोनों दवा तो उन किसानों के लिए है जो एक अच्छा जो खर्चा है वो अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। कुछ एक ऐसे फार्मर है जिन्होंने कम समय में पकने वाली जो वैरायटियां वो लगा रखी है, उन्हें इतनी महंगी जो स्प्रे वो करने की आवश्यकता नहीं है। वो किसान साथी या तो पाइमेट्रोजिन जिसे आप चेस वगैरह बोलते हो 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकते हो, या फिर डाइनोटीफ्रोन जिसे आप ओसिन वगैरह बोल देते हो या टोकन वगैरह कुछ भी बोल देते हो, उसका भी आप 80 से लेकर 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से जो स्प्रे है वो कर सकते हो। अगर आपको अच्छा जो रिजल्ट लेना है तो आप इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो भी मार्केट के अंदर आता है। अगर आपको वो कम्बिनेशन महंगा लगता हो,
अलग से अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो 60 से 70 ग्राम आप ओसिन ले आना और 100 ग्राम के आसपास आप चेस ले आना, दोनों को मिला करके 160 लीटर पानी में आप स्प्रे कर देना, तब भी आपके यहाँ जो होपर है वो कंट्रोल हो जाता है। बाकी काफ़ी सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, आपको लगे कि मेरे खेत में होपर का काफ़ी ज़्यादा टेक हो चुका है, किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बायो के नाम पर कुछ एक जो कंपनी है वो काफ़ी ख़तरनाक जो टेक्निकल है वो देती है। एक्चुअली के अंदर वो बायो नहीं होती है, बायो के नाम पर वो जो प्रोडक्ट है वो पास कराए होते हैं ताकि डिपार्टमेंट जो है उनके ऊपर किसी भी तरह का जो केस है वो ना कर सके। वो वाले जो टेक्निकल या फिर वो वाली जो दवाइयाँ हैं आप खेतों के अंदर यूज़ कर सकते हो ताकि हमारे खेत के अंदर जो होपर का अटैक है वो ख़त्म हो जाए। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब है वो जरूर कर लें। धन्यवाद किसान साथियों।